नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है और उस प्रत्याशी के सोच को उस पंचायत की जनता और वार्ड की जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 8 अक्टूबर को वोटिंग होने वाला है, 4 अक्टूबर हो चुका है और चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो चुकी है, सारे प्रत्याशियों का दौरा भी तेज़ हो चुका है। तो दौरा के क्रम में निकले हुए हैं वार्ड नंबर 4 से जो भावी वार्ड प्रत्याशी हैं नाजिया खातून, उनके पति इमाम हुसैन जी। तो आइए इनसे जानते हैं इनका चुनाव का तैयारी कहाँ तक पहुँच चुका है और किस सोच के साथ ये चुनाव में आए हैं और इनका चुनाव चिन्ह क्या मिला है। तो सबसे पहले स्वागत है इमाम जी हमारे चैनल पे। जी आपका भी स्वागत है। देखिए हमारा सबसे पहले मुद्दा है 5 साल जिनको हमने वोट दिया, जिन पर विश्वास किया, वो धरातल पर कहीं नहीं है। जहाँ तक हमारे यहाँ बगल में देखिए, ये हमारे हरजन भाई लोग हैं या अगर उधर मुनिया लोग कुछ है जिनका इतना बेहतर हाल है, इंदिरा आवास खान उन्होंने कहीं धरातल में कुछ नहीं किया। आप कागज दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, लेकिन किसी का अगल बगल ये है कि महिला लोग उनसे आप पूछ सकते हैं, इन्होंने कहीं कुछ काम नहीं किया। हम एक पढ़े लिखे युवक हैं, हमारा यही मुद्दा है कि जिनका अभी तक जो शोषण हुआ है वो शोषण ना हो, इसीलिए हम यही जानकर अपने चुनाव लड़ रहे हैं। इसी मुद्दा पर हम विकास हमारा मुद्दा रहेगा। जहाँ तक नाला की बात है, वो नाला कम्प्लीट नहीं किए, जहाँ जरूरत नहीं था उन्होंने रोड ढलवा दिया। नल जल का व्यवस्था देखिए सब जगह टूटा फूटा हुआ है, कभी मर्जी आता है तो चलाते हैं, कभी बंद कर देते हैं। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? हमारा चुनाव चिन्ह है गेहूं के बाल, एक नंबर पे है हम, ठीक है। और जनता चाहिए तो हम एक नंबर पे ही रहेंगे, क्योंकि हम विकास के मुद्दा लेकर और जनता की विश्वास है, पढ़े लिखे आदमी है, ये हमारे विश्वास को पूरा करेंगे और जनता का अगर विश्वास है तो उनके विश्वास हम खड़ा भी उतरेंगे, यही हमारा मुद्दा है। तो इमाम जी यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 4 लोग चुनाव में उठे हुए हैं, क्या आपके लिए चुनाव आसान हो पाएगा? जी, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता का ये कहना है कि 4 से या 5 से मतलब नहीं है, हमको वो उम्मीदवार चाहिए जो हमारी बातों को, हम पढ़ा लिखा आदमी हो, जो हमारी समस्या को आगे तक जाए, जो हमारे बस का होगा वो हम करेंगे, नहीं होगा तो मुखिया जी के पास जाएंगे, उससे नहीं होगा तो हम जिला परिषद के पास जाएंगे, लेकिन हम उनका सबका जितना हमसे हो सकेगा उतना अपना पूरा करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपकी वार्ड की जनता आपको देख रही है, तो आप जो वादा कर रहे हैं जनता से, जो चीज़ें को आप लाभ दे रहे हैं कि ये चीज़ें हम करके दिखाएंगे, तो चुनाव जीतने के बाद ये सारी चीज़ें धरातल पर उतरेगी? जी जरूर, हमारा एक यही मुद्दा है कि जितने हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद पूरे अपने वार्ड में घूमेंगे, एक अपना पर्सनल रजिस्टर भी रखेंगे और सबका पहले समस्या घर घर जाकर समस्या पूछेंगे, जो जो जिसका समस्या वो लिखेंगे, उसके बाद से हमारे वार्ड में जितना हमको मिलेगा उससे कराएंगे, नहीं होगा तो हम मुखिया के पास जाएंगे, उससे नहीं होगा तो हम उसके बाद जिला परिषद के पाएंगे, लेकिन हम जहाँ तक हमारा यही कोशिश रहेगा कि जितना से जितना हो सके सबको हम अपना सुविधा दें उनको, यानी जो विकास 5 साल में नहीं हुआ उस विकास को पूरा कीजिएगा। यही मुद्दा लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा यही मुद्दा है और उसको हम खड़ा उतरेंगे, जनता हमारे साथ है, सब लोगों का इसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग हमारे साथ, जनता का सपोर्ट मिल रहा है, पूरा जनता हमारे साथ है, इसमें कोई कहीं नहीं है। ये चीज देखा जा रहा है कि इस बार चुनाव में यूथ भी बहुत ज्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं, युवा लोग, तथा युवा का सपोर्ट आपके साथ है? एकदम युवा का सपोर्ट है, आप देख लीजिए जितने लोग बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम पढ़ा लिखा है, तुम आगे जाओगे, तुम वार्ड का तुम्हारा ये विकास पूरा होगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से क्या अपील कीजिएगा 8 तारीख को जो वोटिंग है उसके लिए? अपने जनता से यही मैं अपील करूंगा, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं और करूंगा भी कि जनता हम पे जो विश्वास जिताए, विश्वास हमको दे, जिस तरह हमको विश्वास तो मिले जनता हमको चुने दी, हम जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे और जो मुद्दा हम लेकर लड़ रहे हैं वो चुनाव के बाद वो मुद्दा पूरा करने की कोशिश करेंगे। जनता से ये अपील है कि 8 तारीख को सुबह 6 बजे से जाकर 1 नंबर गेहूँ के बाली पर जाकर बटन दबाकर हमको विजयी बनाओ और जिस तरह हम विजयी बनाएंगे पूरा जनता का हमने पूरा विजयी बनाएंगे। और जनता का काफी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको मिल रहा है, जनता हमको आशीर्वाद अपना दे रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को जब वोटिंग होगा तो यहाँ की समस्त जनता 1 नंबर पे जो गेहूँ के बाल छाते हैं उसके अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देकर हमको अपना वार्ड चुनेगी और मैं वार्ड बनने के बाद 5 साल तक ईमानदारी पूर्वक हर जाति मजहब धर्म के साथ लेकर चलने का कार्य करूँगा और सबका विकास करने का मैं हर संभव कोशिश करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमेशा ही खबरों का